कि पिछले 40 साल से हम लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमने किसी की मुखालफत नहीं की। हमने कहा कि हमारा हक जो है वो हमें मिलना चाहिए, लेकिन हम किसी के हक को मारकर अपना हक नहीं लेना चाहते। हम किसी के खिलाफ बात नहीं करेंगे। मुझे एक आदमी ने पूछा कि भाई साहब, ये पहाड़ी लोग कौन होते हैं? वो कठुआ का रहने वाला। कहा, हम भी पहाड़ों पर रहते हैं, दूर दराज इलाके में रहते हैं। तो मैंने कानूनी तरीके से तो उसको बताया कि पहाड़ी लोग कौन होते हैं, और मैंने उसको यह भी बताया कि जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हम हिंदुस्तान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, कि हिंदुस्तान के बॉर्डरों की जो रक्षा है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है, उसी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल LOC की जो रक्षा कर रहे हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैठे हैं, वो पहाड़ी लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डरों के ऊपर, जो राजौरी पुंछ के बॉर्डरों के ऊपर सीने पर सबसे पहली गोली खाते हैं, वो पहाड़ी लोग हैं। जो बॉर्डर पर गोली खाते हैं वो पहाड़ी लोग हैं। जो देश का झंडा उठाते हैं वो पहाड़ी लोग हैं। और जो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं वो पहाड़ी लोग हैं। साथियों, यहां पे हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि हमें फर्स्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट किया जाए, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन हो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो। जब ये सारे कानून आए, पहाड़ी के एक बच्चे ने भी उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। और आज अगर पहाड़ियों को अपने कोटे, अलग कोटे में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिल रहा है, तो किसी को इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम सभी लोग जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, इस हिंदुस्तान के उतने ही बराबर के हकदार नागरिक पहाड़ी हैं जितने गुज्जर हैं, जितने बकरवाल हैं, जितने गद्दी, सिपी और शीना हैं। एक बार मैं रैना साहब के साथ बैठा तो उन्होंने कहा कि अगर ये पहाड़ी कबीले को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाए तो आप क्या कहते हो कि रजौरी पुंछ की क्या हालात होगी, किस तरीके से रजौरी पुंछ के लोग हमारा साथ देंगे? तो मैंने कहा, रैना साहब, आपका वो कड़ाके वाला डायलॉग बहुत जबरदस्त है। वो सभी लोग जो है वो कड़ाके वाले डायलॉग को देखते हैं, सुनते हैं। तो मैंने कहा कि तुस कड़ो कड़ाका अस्कड़ सांगे कड़कार, तुस कड़ो कड़ाका अस्कड़ सांगे कड़कार, तुस कराओ इलेक्शन अस बना सांगे फुल मेजोरिटी नी सरकार, तुस कराओ इलेक्शन अस बना सांगे फुल मेजोरिटी नी सरकार। आज आजादी के बाद 70 साल की गुलामी के बाद पहाड़ी कौम आजाद हुई है। और 70 साल के बाद पहाड़ी कौम का बच्चा बच्चा आजादी की हवा में सांस ले रहा है। इसका पूरा श्रेय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को जाता है। और मैं आज इस मंच से हमारे बीच जो पहाड़ी कबीला के लोग पिछले 40 साल से हमारे हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, कई सारे लोग आज हमारे बीच में नहीं है, मैं इस मंच से उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं। और जो लोग इस मूवमेंट का हिस्सा हमारे साथ रहे, मैं उनको सल्यूट करना चाहता हूं, उनको सलाम करना चाहता हूं कि बगैर किसी फिरका प्रस्ती के, बगैर किसी के खिलाफ नारा लगाए हुए आज हमारी आवाज पार्लियामेंट में गूंज रही है। आज हमारे हक हमें पार्लियामेंट दे रही है, भारत की सरकार दे रही है। ये सारा श्रेय ये जो मेरे सामने साथी बैठे हैं, आप सभी लोगों को जाता है। वक्त की बहुत किल्लत है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी अजान हो गई थी और लोगों ने नमाज भी पढ़नी है। मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं और मैं अपने कंडी के खसूसन तौर पे भाइयों को मुबारकबाद देता हूं कि जब हम यहां से जा रहे थे तो मैंने कंडी के लोगों के अंदर वो बलबला देखा है, मैंने कंडी के लोगों के अंदर वो जज्बा देखा है। और ये जज्बा दर्शाता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और इसके सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूटर होंगे वो पहाड़ी कबीला के लोग हों, चाहे वो रजौरी पुंछ में रहते हैं, चाहे वो उड़ी टंगधार करना में रहते हैं, चाहे वो अनंतनाग और बारामूला में रहते हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए इसी पर अपनी स्पीच को खत्म करूंगा और आप सभी को बहुत बहुत मुबारक देता हूं,
बहुत बहुत आपका शुक्रिया करता हूं।